सो गाइस पहला पॉजिटिव है इस गाइस का। सो गाइस मडगांव एक्सप्रेस जो अपने ट्रेलर में प्रॉमिस करती है वो मूवी में डिलीवर करती है। अगर आपको एक गुड अच्छी कॉमेडी मूवी देखने जाना है आप आराम से मडगांव एक्सप्रेस को चूज कर सकते हो, आराम से थिएटर जा सकते हो। अच्छा आपको कोई दो बार सोचने की जरूरत नहीं है कि मूवी अच्छी होगी नहीं होगी। अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव की और नेगेटिव की आगे की क्या है इसमें। पहला पॉजिटिव पॉइंट है इस मूवी का गाइस, इस मूवी का डायरेक्शन कुणाल खेमू ने जो डायरेक्शन चूज किया ना इस मूवी के लिए बेस्ट। उन्होंने जो अपनी राइटिंग लिखी है बिल्कुल एक ग्राउंड लेवल पे रह के। सेकंड इसका पॉजिटिव आता है गाइस इस मूवी के एक्टर्स की परफॉर्मेंस, नोरा फतेह से अच्छा काम निकालवा लिया था कुणाल खेमू ने, और क्या ही चाहिए। फिर तो अपने तीन टिकड़ा आप जानते ही हो सबसे एक से एक बढ़िया कलाकार ले रखे हैं उन्होंने अपनी मूवी में, और इस मूवी के सारे एक्टर्स की परफॉर्मेंस एक नंबर है गाइस, बढ़िया है, आप आराम से देखने जा सकते हो। अगर नेगेटिव तो इस मूवी का एक ही है गाइस की नो गॉड प्लीज नो नो नो। इस मूवी का जो बजट है ना वो बहुत ज्यादा लो दिख जाता है अपने को, कम है, क्योंकि जब वो टेक्निकल ग्लिचेज आते हैं ना तो वो मेरे को दिख रहे थे कि हाँ भाई यहाँ पे ये ऐसे किया है यहाँ पे ऐसे किया है, तो बस वो आपको दिख जाते हैं, बाकी तो कॉमेडी मूवी अच्छी। आप अपने दोस्तों को लेके जाओ, फैमिली को लेके जाओ, एक नंबर मूवी, आराम से एंटरटेन होंगे आप गाइस। मैं इस मूवी को दूंगा गाइस 3.5 स्टार। बाकी आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्या क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल चल चलो जाके इलाज करो।